2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में ऐसे जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब, थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, ये शोक प्रस्ताव आया है, ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1956 में ऐसे जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखा है और प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्य ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार के पास पहुंचा दूंगा। हम सीधा हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा का रुख कर लेंगे। यतेंद्र, विशेष सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है। पहली बार नायब सैनी विधानसभा पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक कि विहिप जारी करने के बाद कम से कम 3 विधायक ऐसे हैं जो इस वक्त सदन में मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल नायब सैनी विधानसभा में अपना वक्तव्य दे रहे हैं और विधानसभा में आज विश्वास मत वो हासिल भी कर लेंगे, क्योंकि जो पर्याप्त संख्या है उनके पास पहले से ही मौजूद है। और जो आप जेजेपी के विधायकों की बात कर रही हैं, तो वो जेजेपी से बगावती रुख पहले ही अपना चुके हैं। कल भी वो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे, जबकि खबरें आ गई थी कि अब बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूटेगा, तो ऐसे में 4 से 5 विधायक जेजेपी से पाला बदलकर बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन टेक्निकली 2/3 बहुमत पूरी पार्टी को तोड़ने के लिए होना चाहिए, तो 2/3 पूरा ना होने की वजह से इनकी ज्वाइनिंग रोक दी गई है। इनका समर्थन बीजेपी समर्थन का दिखावा नहीं कर रही है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 41 विधायक बीजेपी के हैं, 6 निर्दलीय और 1 गोपाल कंडा, यानी कि टोटल मिलाकर 48 विधायक होते हैं जो सरकार बचाने के लिए, सरकार बनाने के लिए काफी है। तो ऐसे में इन लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने जो अब व्हिप जारी किया है जेजेपी ने, उसका उल्लंघन करके साफ जता दिया है कि वो जेजेपी से पाला बदल चुके हैं। उनकी जो विचारधारा या उनकी जो राय है वो जेजेपी से अलग हो चुकी है। और अब जेजेपी जब हिसार में रैली होगी दुष्यंत चौटाला की, तो वो इस बारे में
साफ अपना रुख करेंगे कि आखिरकार वो किस तरह से अब गठबंधन से अलग होने के बाद किस तरह का रास्ता अख्तियार करते हैं। लोकसभा की जो 10 लोकसभा सीट हैं जहां वो बीजेपी से 2 से 3 सीटें मांग रहे थे, क्या अब वो अकेले दम पर 4 से 5 सीटें लड़ेंगे या सभी 10 लोकसभा सीटों में वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अब से कुछ देर के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जो जेजेपी के बागी विधायक है वो अपने रुख पर कायम है और उन्होंने व्हिप का उल्लंघन करके विधानसभा में पहुंच गए हैं।